दरभंगा शहर से सटे अझौल पंचायत के चकजोहरा और उससे सटे नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 38 एवं 39 में बाढ़ से स्थिति अभी तक खराब है। यातायात से लेकर खाने तक के लोगों को दिक्कत हो रही है। आकोपुर पंचायत में लोग घुटने भर से अधिक पानी में जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा यहां अभी तक कोई सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों की परेशानियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बीच बुधवार सुबह से विभिन्न जगहों पर बारिश ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चुनौतियां और बढ़ा दी है। क्या पोजीशन है ये पानी का? पूरा पानी पानी है, पूरा आने जाने में। अरे भैया एक सेकंड, क्या हालचाल है? पानी का क्या पोजीशन है? पानी बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो पानी घटा था ना? पानी घटा था, रात के बारिश में फिर बढ़ गया है। बढ़ गया जी। क्या क्या हाल है? घर सब में भी पानी है, क्या पोजीशन है? सबके घर में नहीं है, में तो घर में पानी होगा, मगर इधर पूरा रोड तक पानी है, समझिए घर के गेट तक पूरा पानी घुसा हुआ। बाहर से बहुत गंदगी है, सफाई सुथरा का एक जरा व्यवस्था नहीं है। कौन मोहल्ला है ये? मोहल्ला हुआ यहाँ पर, यह हाल है। आगे गरीब लोग कैसे रहता होगा उसका सोचिए ना पहले। इतना पानी, एक एक कमरा है, बाहर एक एक सीना है, आगे चल के देखिएगा पूरा एक एक कमर पानी। कौन मोहल्ला? आकोपुर। आकोपुर के अंदर ये कब से, जब से बरसात हुआ? अदरा जो बरसात है उसी समय से, उसी समय जी शुरुआत पानी हुआ, हम लोग निकल गए, घर छोड़ दिए। घर छोड़ के अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी रह रहे दूसरे का मकान में, और आदमी रोड पर रह रहे हैं बगल में। देख रहे किस किस हाल में है, हर घर घर में पानी घुसा हुआ है। ये आकोपुर जाने का रास्ता है, इस रास्ते पे लोगों ने रस्सी बांधकर निशान लगाया हुआ है, जिससे लोगों को खतरा है उससे लोग सावधान हो जाएं। इस तरीके से रस्सी बांध करके ये संकेत दिया जा रहा है कि इधर गड्ढा है। हो गया हाँ। तो किस तरह मिट्टी होगा, जनाजा होगा, देख रहे हैं पूरा एकदम पानी है, कमर के सीना पानी है, कहाँ पर ये किया जाएगा, दफनाया जाएगा? कब्रिस्तान भी डूबा हुआ जी, ये कब्रिस्तान हो गया, वो घेरा हो जाए पूरा कब्रिस्तान है। ये हो गया महाराजगंज चकजोड़ा जिला का कब्रिस्तान है, पूरे पानी से भरा हुआ एक महीना। ये रस्सी किस लिए बांधा हुआ है? ये बांधा हुआ है कि नाला है, रोड है, इसी लेकर बांध दिया है सुरक्षित के लिए, कि पब्लिक नाला में नहीं जाए रोड से बेरोड। क्या कहना चाह रहे हैं इस पानी के बारे में, क्या कहना चाहिए? पानी के बारे में क्या कह रहा है, मुझे कम से कम 15 दिन से बेसी हो गया, हम लोग 15 महीने मार के 15 दिन के से बेसी हो गया, देखते हैं कितना पानी है। हम लोग हेल के जाना, हेल के मतलब मोहल्ले बचा हुआ है, बुझे 10 घर डूबा हुआ भी है, 10 घर में कम से कम सबके घरे घरे पानी घुसा हुआ है। ये तो पंपिंग सेट लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ, 1 इंची पानी नहीं जा रहा, जहाँ तक कि आज 2 इंची पानी बढ़िए गया है। सुविधा है न कोई, राहत है न कोई, कुछ है कुछ नहीं दे रहा है। इससे पहले बोल रहे थे, गए थे जी, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान। बुढ़िया में क्या लेके जा रहे हैं? घास लेके जा रहे हैं, घास मवेशी के लिए जी, लेके गाँव तक। पूरा गांव में भी आकोपुर में पानी भरा हुआ है? पानी पानी। कितना पानी आकोपुर गांव में है? आकोपुर में ठौना इतना है, ठौना यहाँ पर तो यहाँ इतना हो जाता है। अभी आप इतना पानी हेल करके आ रहे हैं, ये डेली का? ये डेली भर दिन 2 बार दुकानदारी करते हैं, जाते हैं सुबह, फिर आते हैं, फिर जा रहे हैं, फिर शाम में 8 बजे आएंगे यही पानी में हेल करके। उपाय नहीं है कुछ, तो ये सरकार की तरफ से कोई नाव ताव का भी कुछ नहीं, यहां नहीं, 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न मुखिया न सरपंच, यहाँ का कोई सुनने वाला नहीं है। हम क्या करें? ये कौन पंचायत में पड़ता है? ये बहादुरपुर पंचायत में पड़ता है। बहादुरपुर? बहादुरपुर तो ब्लॉक है, ब्लॉक हो गया, पंचायत उझौल है, उझौल पंचायत, उझौल पंचायत जी सर। उझौल का मुखिया भी सब के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं आकोपुर के लिए, बगले में सर उझौल में कुछ नहीं, बहुत परेशानी है हम लोग के साथ। किस तरीके